टू स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में बेटा साइन ए प्लस कॉस ई के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में ही लाना है। क्या करेंगे अभी ए प्लस बी होल स्क्वायर से उसको एक्सपेंड करेंगे। देखो ना ए प्लस बी होल स्क्वायर से जाएगा ना तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे प्लस का बी स्क्वायर इस तरीके से प्लस का टू ए बी तो टू साइन ए इंटू कॉस ई के ये तो आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर से। ऐसे इसको भी ब्रेक करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर से प्लस का साइन लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू कॉस ए इंटू सेक ए ये चीज़ ठीक है। अब देखो प्रूविंग में हमको सेवन लाना तो अभी तो यहाँ तुम्हें सेवन कहीं नहीं दिखाई देगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना तो सेवन तक कैसे पहुँचेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये कितना देने वाला आपको वन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है वन तो वन लिख लिया हमने और भी कुछ मिल रहा और नहीं मिल रहा वन प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस अब साइन ए और कॉसिक का मल्टीप्लाई हमेशा वन होता है साइन ए और कॉसिक का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है वन तो वन वन ही रहेगा प्लस सेक स्क्वायर ए ऐसे ही लिख लो प्लस कॉस और सेक का मल्टीप्लाई भी वन होता है क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कॉस और सेक भी वन आ जाएगा तो केवल बचेगा टू। अब देखो क्या सेवन तक पहुँच रहे हैं हाँ पहुँच रहे हैं टू प्लस टू फोर प्लस वन तो फाइव चलो ठीक है तो फाइव प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी हमको मालूम है कॉसिक स्क्वायर ए की क्या होती है अगर हम वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखें तो कॉसिक स्क्वायर ए आता है अगर हम वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखें तो किसके को लाता है कॉसिक स्क्वायर ए की तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए को वन प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे सेक स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो सेवन पहुंच रहा फाइव सिक्स सेवन हाँ तो सेवन प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए इस तरीके से बेटा आपने इसको प्रूफ कर लिया।